गाइस, सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ नैनीताल के लिए। मेरा दोस्त मेरे को पिक करने आ रहा है कि मैं 10 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी तक वो पहुँचा नहीं है। मुझे उसकी गाड़ी कोई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ सुबह सुबह एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई है, तो इसलिए कैमरा मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। फ्रेंड शायद आ गया, दिखाता हूँ आपको। आ गया, ये देखो गाड़ी आ गई भाई लोगों। लक्ष्य भाई पहुँच चुके हैं, बैग लेके आए हैं, यहाँ थोड़ा बड़ा है, सामान गाड़ी में रख दिया है। देख लिया आपने, बिल्कुल नहीं है, एकदम चकाचक, पन्नी भी नहीं उतरी हुई है। और हम दो के अलावा दो भाई और हैं, एक को अभी अब पिक करने वाले हैं। क्या है रोहित भाई, क्या हाल है यार? पूरे तैयार हो गए यार, पैक वैक हो गए हैं, ठंड हो रही है, पूरा मजा करने का यार। बैग डालो यार डिग्गी में, अपने चौथे ब्रो। और इससे हम पहुंच गए कहीं है तो पहाड़ों की जगह, पहाड़ों की जगह आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें। और सचिंदा भाई की डिमांड है, ये छत पे जाना चाहते हैं गाड़ी की, कोई बात छत खोल दे। और ये छत खोल गई, ये भाई साहब चला रहे हैं गाड़ी और बहुत अनहारी तरह से चला रहे हैं गाड़ी। और ओझा भाई बैठे हुए हैं, और गाड़ी का नाम कौन सा भाई साहब? ग्रैंड विटारा गाड़ी है ये, ब्लैक रंग की है ये, इसको फाइव टैग भी लगा हुआ भाई साहब। लोगो यहाँ से नैनीताल 20 किलोमीटर रह गया है, बीच रास्ते में आ गए। रोहित भाई को फोटो खिंचाने का भूत सवार है, इस समय छत खोल के फोटो खिंचा रहे हैं। लख भाई अपना बीच में स्टे ले लिया है गाइस, मैगी मुगी खाने के लिए। रोहित भाई कह रहे थे, जूते बांध रहे हैं अभी फिलहाल, कह रहे कि कहीं रुकेंगे तो मैगी वैगी खाएंगे। और व्यू बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, एक साथ में अलग अलग मंगाएंगे। एक बार मैगी सत्येंद्र भाई व्यू में खो गए, बिल्कुल अच्छा व्यू है। हम लोग तो ऐसे अपना खड़ा काम खत्म करा, ट्रैक्टर आया जोड़ दिया हरियाणा की तरह, और हमारे यहाँ कोई खेती वेती नहीं है, खेती में यहाँ देखो यहाँ हो रही मेहनत। देखो किस तरह से क्यारी बनाई गई है, एक सीढ़ी नुमा, पहले एक सीढ़ी फिर उसके नीचे सीढ़ी, इस तरह से खेत बनाए गए हैं। पानी भी लगाना होता है ना, ताकि नीचे वाली क्यारी में ना जाए, और हमारे यहाँ तो पानी छोड़ देते हैं खुला, ऐसे चलता रहता है, चाहे दूसरे क्या खेत की। हैंडसम लग रहा है यार, लगे भाई क्या एविएटर लग रहा है। 1.5 लाख वाला फोन कहाँ है? ये रहा हेंगे को, हेंगे को आओ भाई सेल्फी ले रहा है। मैगी नहीं बनी अभी तक, आइए सर ये देखिए मैगी भैया, मैगी वाले भैया हमारे इतने अच्छे मैगी वाले भैया, जब भी आते हैं हम यहाँ मैगी खाते हैं, और बहुत शानदार तरीके से देखिए मैगी बना रहे हैं। ये देखिए भैया थोड़ा पी दिखाएंगे आप इन्हें, ये देखिए जब भी आते हैं हम मैगी जरूर खाते हैं भैया की, और चाय बननी है क्या, चाय पिए ना पिए लेकिन मैगी जरूर खाएंगे। और देखिए भैया की, देखो एक मिनट भैया ये दिखाना अपना चेहरा, जब भी आई नैनीताल आइएगा इनकी मैगी जरूर खाइएगा, और शानदार हम भी बना लेते हैं कभी तो भाई, जब हमारा शौक होता है मन करता है। ये देखिए प्याज भी है, टमाटर भी है, दही भी है, मोबाइल भी है, और देखिए सबसे बड़ी बात तीखी मिर्ची भी है, तीखी मिर्ची खा के देखें। साथ में चम्मच भी दी है भाई, चल रहे यार मैगी खाओ, चाय नाश्ता हो गया भाई, चाय नाश्ता हो चुका है, अब आगे चल रहे हैं, अब आगे चलते हैं। प्रशांत जी 20 किलोमीटर हो गया यहाँ से? नहीं नहीं 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है भाई, पेमेंट कर दिए, चलते हैं यहाँ से। आइए सर, चलो बैठो यार। नहीं सर, आप आइए ना सर। अरे बैठो क्या करो अंदर यार, भाई बैठ लो गाड़ी में, बैठ लो भाई, बैठ
10:30 बज गए, गर्मी बहुत है, बहुत तेजी की है, धूप इतनी तेज लग रही है कि समझ लो त्वचा जल सी त्वचा गर्माहट से ले गई है। अगर आप चाहे तो हमारे स्क्रीन पर अंडा डालोगे ना, अंडा उसकी आमलेट बन जाएगी। अच्छा स्क्रीन ना तब आए गाड़ी रोक देते हैं यार, ये इस बार रोका इन्होंने, यहाँ कहीं वाटरफॉल चमक गया किसी को, कह रहे देखेंगे, चलो देखते हैं। वीडियो बना रहा हूँ यार, कहाँ जा रहे हैं भैया, तो जाओ बैठो बैठो, ये झरना है, पानी कहाँ से आ रहा है, छोटा सा पाइप लगा हुआ है, बहुत फिसलन है, बहुत भाई है, बहुत ज़्यादा फिसलन है, गिर मत जाइए यार, मेरे भाई जल्दी यार इधर बैठ गए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ऊपर तक है, ये हुआ है साफ पानी, कोई पहुंच रहा हो, साफ पानी पी ले, और पी ले भाई, यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो यार वाटर पीने का बना लग गया, अरे यार पानी आ गया कैमरे पर, खराब नहीं होगा ना, खराब नहीं होगा, फाउंटेन घूम गया पूरा मजा ले लिया, और अभी खींच रहा हूँ यार, रुक जा दो मिनट, अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, वापसी में खड़ी है गाड़ी अपनी, ग्रैंड विटारा, भाई भी इंतजार कर रहा है, आ जा भाई, क्या करना है, फोटो खींचना है, फोटो भी खींचते हैं यार, रुक जा भाई, लड़की के लिए देखने जा रहा था, सोचा कि यार दो चार फोटो वोटो होने चाहिए रोहित भाई के, कहाँ गए सत्येंद्र, कहाँ है, हैं प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, और बीच में हमारे सत्येंद्र भाई थे जो अब यहाँ पर नहीं है, इन्हें प्रेशर प्रेशर लग गया, तो मेरे जिनकी वजह से हमें बीच नैनीताल में रुकना पड़ा, अभी नैनीताल पहुँचे भी नहीं है, 8 किलोमीटर है, और वो तो कह रहे थे कि यार रूम ले लेते हैं पहले, लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझ गए थे कि उन्हें लग लेकिन यार अब प्रेशर बनने के लिए होटल लेना तो है नहीं, खैर बाद में, तो यहाँ से प्लान बनाया कि भीमताल पहले जाएंगे और सारे दिन भर घूम के शाम को आके होटल ले लेंगे, अभी तक का तो यही डिसीजन है, और यहाँ से अभी नैनीताल ले पूछेंगे, मैप में देख सकते हो आप, अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार, नहीं हैं अंदर भाई आ गए हैं, किला फतेह कर दिया है इन्होंने भाई, तो सब कैसा रहा मामला, बहुत बढ़िया रहा यार बहुत शानदार, मजा आ गया, पहले मम्मा ने छूटना दी, छूटना दी कितने रुपए लेंगे, अरे भाई साहब हम ऐसा काम करते आ गए हैं, अच्छा पार्किंग नहीं मिल पाई नैनीताल में, वो देखिए पार्किंग पूरी फुल है, वो नैनीताल घूमना तो था लेकिन अब प्लान चेंज हो गया है, तो भाई अब कहाँ चले, नैनीताल के बाद भीमताल चलते हैं, बड़े वाले ताल में भाई, पार्किंग बहुत यहाँ तो फुल थी, मैं दिखाता हूँ आपको क्या हालत है, लेकिन बहुत ऊपर जाके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमें पार्किंग मिली, और फिर हमने यहीं नैनीताल में जो है रुकने का, छोटा है ना स्टीन, आगे का छोटा पीछे का बड़ा है, पीछे कौन देख रहा है, पीछे सतेंद्र देख रहा है भाई जा रहे हैं नैनी, नैनी झील, दोनों में अंतर है, कैमरे में अवेलेबल है, एक ही है स्क्रीन है, ये पार्किंग के बीच से निकलते हुए सामने गुरुद्वारा है और पीछे मस्जिद थी, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, वहाँ पर छोटे छोटे मकान है, गुरुद्वारे के पास मंदिर है, मंदिर नहीं है उसके पास, हाँ मंदिर भी है, वही तीनों चीज़ें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईसाई तो है नहीं यहाँ, चर्च कहाँ है, ये सारा चर्च लग रहा है, लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़िएगा, मेरा सैंडल ऑफिशियल पहाड़ी बल है, ये मेरी प्रोफाइल नेम है, गाना शूट करने के चक्कर में मेरे दोस्त छोड़ कर भाग गए, कहाँ यार मैं ढूंढ रहा हूँ यार, ऐसा देखिए ये जो है गाना सुनने लग गए थे हम यहाँ, वो पहाड़ी सॉन्ग सुना था, क्या देख रहे हो, झील है भाई, ये देखो झील कितनी प्यारी है यार, मस्त भाई झील भाई, फ्रेंड सारे वीडियो गेम में घुस गए हैं, पता नहीं क्या करने गए इसमें, तो क्या गेम खेल रहा है क्या, टेकन थ्री को यार पहले आता था यार, टेकन थ्री का
ओ सतेंद्र खेल रहा, डरा रहा यार। क्रेडिट ले ले यार। भाई क्रेडिट डाल दी है और मैच हो रहा है, बहुत ही भयंकर मैच होने वाला है। सतेंद्र और लकिया भाई के बीच में, लकिया भाई ने क्या सेलेक्ट किया है पॉल, और सतेंद्र भाई ने अपने जैसा आदमी ली सेलेक्ट कर लिया है, इन्हीं की तरह दिखता है बिल्कुल। अब दोनों मैच हो गया और लगता है सतेंद्र भाई की रात की। तो भाई बढ़िया, सतेंद्र हार गए क्योंकि नशे में थे। और ये पहली लात के बाद ओहो, और लकिया भाई अपना बचाव करते हुए उनके सर के बाल खड़े हो गए लात पड़ते ही। और सतेंद्र भाई की एक चोटी भी है इसमें, और हरे रंग की सलवार पहनी है, मार दिया। कौन जीता? अरे यार, और वो बड़ी पहली वाली लात मार दी यार। अरे यार, फाइनल राउंड है, एक वो जीता एक वो, अब कौन जीतेगा जल्दी से। लकिया भाई पहला वो हमारा, और सतेंद्र दूर जाके पड़े, अब सर से मार दिया इन्होंने। ओ सतेंद्र लात मार, बटन दबा भाई, गजब। अबे खेलो, खेल 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 खेल, परफेक्ट, तब भी नहीं पड़ी। अब खेलो, ये देखिए हमारे प्रशांत भाई ये टॉय वाला गेम खेलते हुए, बहुत शानदार है, किस्मत आजमाते हुए। ये देखिए इनकी गर्लफ्रेंड यार, ये नहीं, एक ही चांस मिला है, और एक चांस मिला है, और चार सीटर यहाँ पर है, 420 और 2 सीटर 320 प्रति घंटा के हिसाब से। हमने चार वाली की है क्योंकि हम चार लोग हैं, पैडल वाली ली है ताकि उसे खुद चला सके, क्योंकि उसमें चलाने वाला ड्राइवर नहीं होगा हमारा, सतेंद्र भाई ने तो लकिया भाई ने अपनी जैकेट पूरी पहन ली है, और सतेंद्र ने भी पहन ली है। अब अपनी बारी यार, भाई अपन भी एक जैकेट उठा लेते यार, कौन सी उठाऊं? हटाइए, मैं उठा लेता हूँ भाई, अपन भी जैकेट पहन लेते हैं और जो है रोड पर चले गए, काफी मजा आने वाला है। मैंने आज तक जिंदगी में, अरे सतेंद्र तुमने करी है बोटिंग कभी? अच्छा पहले दो चलाएंगे, आधा घंटा दो चलाएंगे, ऐसा है सिस्टम? मैंने बोला कि नहीं चला, अच्छा इधर से भी तो चल सकता, इतना चलेगी, चलाने कैसे? अरे पेंडिंग मार देना रिक्शा वाला यार, चल जाएगी। तुम भी जाओगे भैया हमारे साथ? ये नहीं जाएंगे यार, अरे भाई भाई सही है ना मरेगा। अरे भैया सही है यार, बिल्कुल भाई, मैं भी चल लेता यार, इधर से पकड़ लेता हूँ। अब क्या करना, बस पहुँच गए, आगे डायरेक्शन चला देना। दोनों भाई चल पड़े अपने बोटिंग के लिए, दोनों चीते चल पड़े। बहुत मजा आ रहा है यार, कैमरा तो कट पे लेता हूँ यार, थोड़ा डर लग रहा है, पानी मैंने गिर जाए, इसकी वो सुबह टूट गई थी और उससे चिपका रखा है मैंने। ऊपर सही है, ऊपर सही है वैसे तो बना हुआ है भाई, टूटते बच गए। अभी लकिया भाई का हमारे ड्राइवर साहब पता नहीं कैसे गाड़ी जाए, अभी बच गए भाई ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। यह है भाई नैनीताल का नज़ारा, आप आए तो बोटिंग जरूर करना, मात्र 420 रुपये लिए चार लोगों पे। एक काम रह गया मेरे पास।
अच्छा अभी जाता हूँ। और ये ड्रैगन आ रहा पीछे से, मेरा भी आया नहीं आया। चलाओ यार चलाओ। आ गया सबका, आ गया चलाओ दो। बीन, 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 साइड पे आगे। भाई टक्कर होने से बच गई बार बार। और उल्टा लेके आ रहा पता ही नहीं चला। यहाँ तो सतेंद्र भाई हमको कुछ कहना चाह रहे थे। सतेंद्र ये झील के बारे में कुछ बताया। देखिए आप हमें मिले थे वहाँ पर जहाँ हमने बताया था ये पुश्ती नहीं थी हमारी। और ये हमारा स्विमिंग पूल हुआ करता था। अच्छा इतना बड़ा स्विमिंग पूल। एक्चुअली इसमें भैंस जैसे नहाती थी ना इसमें, और हमारी 50-60 रानियाँ हुआ करती थी। अच्छा यहाँ नहाती थी सब 50-60 सतेंद्र भाई की 50-60 पटरानियाँ थी और दासियाँ थी। कुछ हमारे सैनिक हुआ करते थे, हम जाते थे ना सर। और इनकी फौज जो है पूरी उसमें रक्षा किया करती थी इनकी। ये हती वादियाँ खुला आत्मा आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। काम सा आया था बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। इधर चल इधर, ये क्या है? ओबे 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 ओबे, ये क्या हो? ओबे वहाँ मत जाओ यार, उधर पता नहीं क्या चल रहा है यार। ऑक्सीजन का पूरी हो गई भाई। पहले तुम उतरो यार, वो आराम से आइए भाई। फ्लाइट कंप्लीट हो गई, थक गए यार, बुरी हालत हो गई। देखिए आखिरकार हमने मछलियाँ, ये देखिए ये यार मछली है, वो देख। खाना खाने का टाइम हो गया, रेस्टोरेंट बता रहे हैं लेकिन भाई फेमस है ये यहाँ भाई। क्या है ना इसका मंचन रेस्टोरेंट, दिल्ली चलो नहीं सीट नहीं मिलेगी यार। आओ मेन्यू आ गया भाई मंचन का। तुम सब तो नॉनवेज क्या खाएगा? अकेला बोल, थोड़ा शेयर कर लेंगे। हाँ खा लेंगे। क्या है मेन्यू में? देखो यार करना, चूज करना है क्या खाओगे। मगरों में क्या, मैं रोटी साथ आराम से खा सकते हैं ना। तो मसाला है कितना? फुल हाफ। फुल में कितने पीस है? फुल में 12 पीस, हाफ में 6 पीस। तो फुल लिया, फुल चिकन दाम भाई कब से रहे? पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन। 6 फरवरी भाई का बर्थडे बोले कि 6 फरवरी को मेरा बर्थडे है, और जितने लोग भी आए हैं सब लोग आएंगे भाई। आज ही करते हैं, माही आज ही बर्थडे है मेरा। आज ही मान लेंगे आज ही भाई। ऐसे सारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। ऐसा में 3 दिन को तनख्वाह मिलेगी? कोई नहीं, अभी हम करेंगे बात। नहीं, आज कुछ नहीं है, उसी दिन बर्थडे वाली दिन दिल्ली रहने वाले कैसा है? हम दिल्ली आ जाएंगे। तो खाना खा लिया भाई, जो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा खाना था, मजा आ गया। और अब जा रहे हैं नैनीताल। फर्स्ट टाइम मैंने इतना अच्छा खाना खाया है नैनीताल। नहीं नहीं मैं पहले भी आया हूँ, बट इतना अच्छा खाना किया भाई। लोग फोटो खींच रहे हैं यार सुबह से, तो यार तुम्हारे फोटो सेशन खत्म ना हुआ यार। इतना बढ़िया यार, वीडियो बनाना भाई। तुम पठान हो यार, दिखते भी वैसे ही हो। ये वाला वाला कितने का? ये भी 100 का भाई, ये भी 100 का, वो भी 100 का यार, ले ले टोपी। इसकी दुकान अंदर से भाई की, पर्स है, शॉल है, छोटे बैग है वाला, पश्मीना शॉल वाला पूछा। मैं कहा सोच रहा 100-100 रुपए का, तो भाई 3250 का बता रहा है। पहले आके कितनी ऊपर जाके गाड़ी खड़ी खड़ी है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे माता रानी के दरबार में जा रहे हैं ऊपर। बड़ी मेहनत के बाद फाइनली पार्किंग आ गई है भाई। अब यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठेंगे और भीमताल के लिए भी 3 बजे भीमताल पहुँच जाएंगे। ये रही हुई गाड़ी, ये रही अपने बंदे। हालत ख़राब हो गई यार, बहुत चढ़ाई थी। बोटिंग से ज़्यादा तो इसने हालत ख़राब कर रही है।